हेलो गाइस टू वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह और सिब्बू मेरे साथ है। कहाँ है ये री? तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह। जैसा कि आपने व्लॉग का टाइटल देखा, आज मैं दूंगा अपनी बहन को एक स्कूटी गिफ्ट। ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको अभी रास्ते में बताता रहूँगा और शोरूम को पहुँच के भी बताऊँगा। तो चलो यार अभी चलते हैं, निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो शोरूम पहुँचते हैं। अभी मेरे को जाना द्वारका, गुड़गांव से द्वारका, लेट्स गो। सो गाइज अभी हम निकल चुके हैं। एक तो यार गर्मी बहुत हो रही है, आज थोड़ा सा पावर कट हो गया जो कि होता नहीं है बेसिकली, पर आज 3-4 घंटे लाइट चली गई। बाकी गाइज अभी हम निकल चुके हैं, अभी हमें जाना है द्वारका। मैं तो बस कपड़े वपड़े चेंज करके अच्छे से ऐसे ही बन के आ गया, बाकी मैं चप्पलों में हूं अगर आपको दिखे तो। नीचे नहीं दिखेगी ना, अंधेरा है। बाकी यार मैंने चप्पल डाल रखी है, मैंने शूज तक भी नहीं डाले कि जल्दबाजी में निकल लेता हूँ बस। बड़ी बात, मेरे पैर देखो, मैंने खुद डाल रखी है चप्पल, ये देखो। मैडम आपकी होड़ थोड़ी ना होगी किसी से। तो गाइज मैं बताता हूँ कि सडनली स्कूटी लेने का प्लान कैसे बना। तो स्वाति के पास स्कूटी है ऑलरेडी, लेकिन क्या है ना काफी पुरानी हो चुकी है तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो भाई काफी टाइम से ये इसकी नई स्कूटी लेंगे। तो मैंने उसको बोल रखा था कि भाई जब तेरा मन करे ना जोन सी स्कूटी तुझे लेनी हो ले लियो, लेकिन वही है यार कभी जाने का हो नहीं पाया। तो अभी आज उसका फोन आया था सुबह कि भैया मेरा एग्जाम है, आज एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट शोरूम पे आ जाना और क्या बोलते हैं आके स्कूटी ले लेंगे। तो मैंने वही बोला कि ठीक है, वरना मेरे माइंड में तो यही रहता था कि भाई सारे फैमिली के मेंबर एक साथ जाके, मम्मी पापा चीनू सब जाके स्कूटी तब ले सब फैमिली मेंबर, लेकिन यार वही है कि वो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा। तो मैंने यही बोला कि भाई तू अपना एग्जाम दे के आ जा, उसके बाद मुझे फोन कर दियो कि भैया स्कूटी लेनी है, इस जगह पे हूँ मैं, तो वहीं चले जाएंगे। तो अभी उसने मेरे को लोकेशन भेज दी है और अप्रोक्स 40 मिनट का रास्ता है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और गाइस किसी को सेकंड हैंड स्कूटी चाहिए हो तो बताना। ओह माय गॉड, नहीं यार सिब्बू मैं ना वो सेकंड हैंड स्कूटी बेचूंगा नहीं, बताऊं क्यों? अच्छा क्यों भाई? उस स्कूटी ने मेरा इतना साथ दिया है ना, पहले मेरा इतना साथ दिया, मैं उस स्कूटी पे मतलब अपने जब मेरे शूट होते थे यूट्यूब के स्टार्टिंग में, इतना याद है मुझे मैं कितना घूमी हूँ उस स्कूटी पे। भाई उस स्कूटी पे मैं इतना सामान लाद लाद के घूमा हूँ ना, जब मतलब मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम ट्रेवलिंग के लिए, मेरे पास वो स्कूटी थी। तो यार मैं उस स्कूटी से इतनी यादें जुड़ी है, मैं उसको ऐसे कैसे बेच दूं। मन में एक बार को आया भी था छोटा सा, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार बेचेंगे नहीं, अपने पास ही रखेंगे, चाहे खड़ी रहे वो पर अपने पास ही रहेगी अपनी चीज। और गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, स्वाति को आज इसने दुखी कर दिया, सो गया वो बेचारी, फोन करती रही। उसने मेरे पास भी कई बार फोन किए लेकिन ये घोड़े बेच के सो गया रचित। यार देखो बेल्ट लगा लेते पहले, अब कुछ बोलने के लिए रचित दिया। देख स्वाति ब्लॉग देखेगी कहेगी हाँ भैया सो गया। यार देखो अब क्या करूं, अब छोटी मोटी तो यार नींद आपको मैंने बता रखी यार नींद मेरी कैसी है। लेकिन यानी आओ यार जो भी है स्कूटी लेने जा रहा हूँ ना, वो स्कूटी लेके खुश हो जाएगी। कितनी देर लगेगी रचित? 40 मिनट। 40 मिनट बोल रहे हैं अभी, 40 मिनट लगेगी तो ढंग से ही बता दे अगर टाइम। मैं बता दूँ 1 घंटे लगेगी अगर मान लो ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि ये तो सुबह से ही पागल बना रहा है तुम्हें। मैंने अरे जब मैं सो रहा था अभी मैं उठ चुका हूँ, अभी तो गाड़ी में ही है, वही है क्या करे, पता तो है ही तुम्हें इसकी आदत। अच्छा मतलब जहाँ तेरा क्रेडिट खाना ना अभी बनता हूँ, गुस्से में काट दिया उसने, देख लो क्रेडिट क्या खाना बनता है। थोड़ी सी अपनी आदत सुधारो रचित भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका ये रचित रोजा है ना, ये जो रचित है ये ना रात में जागता है और दिन में घोड़े बेच के सोता है। रात में पता है काम हो तब तो जागता है, ये एडिटिंग हो या कुछ शूट वूट चल रहा हो, अगर ये नहीं होता है ना इसकी हैबिट ऐसी पड़ गई है, फालतू में रात में जागेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, वीडियोस देखेगा, मूवी देख लेगा, पूरी रात काली कर लेगा। चलो काम के टाइम पे जागता है और फालतू में भी जागता है और दिन में सोता है दोपहर में। चलो गाइस बहुत चुगली हो गई अभी सिब्बू, ये सच है, ये चुगली नहीं है, ये सच है रचित। यार ठीक है ना, अपनी अब सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है,
मैं भी मानता हूँ मेरे को रात को जागने की बीमारी सी क्या हो गई है पता नहीं। तुम्हें पता है मेरे व्लॉग पे नीचे कमेंट आते हैं, कहते हैं आप जब शूज लेने गए थे सिब्बू दीदी तब भी आप नाइट में गए थे, जो कि आज तक आपको शूज मिले नहीं, और आप आज आप गए हो घर का सामान लेने तो भी आप रात में गए हो जब भी शॉप बंद हो चुकी थी, आज हम जा रहे हैं स्कूटी लेने जब भी रात में जा रहे हैं, रात की रानी। सैड लाइफ। सो गाइस ये देखो इसको करते हैं डिसमिस। तो ये देखो अभी 43 मिनट्स का हमारा रास्ता है, लेकिन तुमने अभी भी स्वाति को झूठ बोला, 42 मिनट दिखा रहा है। अरे तो यार क्या है एक दो मिनट में यार, तुम झूठ क्यों बोलते हो इसमें, क्या झूठ यार, तो 43 दिखा रहा है तुमने 42 क्यों बोला यार। एक बात बता, जाना तो है ही ठीक है, उस मतलब इंसान का जो काम है वो अटकेगा नहीं, उसको इतनी खुशी होगी स्कूटी लेके। अब ये कोई बात है कि एक मिनट क्यों झूठ बोला, इसको इशू बनाया जाए इतनी सब खुशी के माहौल में। इशू नहीं खुशी, बड़ी खुशी। वो अभी गाइस इसने फोन किया था स्वाति को, पूरा गुस्से में रिप्लाई कर रही थी, हाँ ठीक है नहीं कोई नहीं, स्कूटी लेने के बाद भी ऐसे ही बोलेगी तो देख वापिस नहीं ले लूंगा। नहीं नहीं फिर तो सही से बोलेगी। चलो यार गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं डायरेक्ट मे भी शोरूम पे पहुंच के, बाकी कोई बात हुई बताने लायक गाड़ी में तो वो जरूर बताएंगे। चलो गाइस बाय बाय टाटा हस्ते दे। और गाइस मेरे लिए प्रे करना, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, मैं सही हो जाऊं। हां भाई ये कई दिनों से मरीज हो रही है, मेरे को खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। चलो बाय बाय बाय। Always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for. So guys, finally hum TVS Automobiles ke showroom pe pahunch chuke hain. You have arrived. बहुत देर से स्वाति वेट कर रही होगी, सोचेगी यार मैं तो आया नहीं इतनी देर के लिए, पर कोई नहीं चलो अभी एनी हाउ उसको स्कूटी दिला दूंगा तो उसकी सारी शिकायतें सारी कंप्लेन सब खत्म हो जाएगा। वो देखो आ रही है अभी, मैं तो यहाँ पे खड़ी है यहाँ पे। चलो गाइस चलते हैं। हाँ क्या चाहिए? इंस्टा को नहीं लाया, इंस्टा को नहीं लाया क्योंकि फिर वही यहाँ पे खाना वाना करता, वो पोटी वोटी कहाँ करता शोरूम में, इतना टाइम थोड़ी लगता। तो भाई ये गाड़ी यहाँ रोड पे ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है, दिल्ली की सबसे बुरी चीज पार्किंग अवेलेबल नहीं होती कहीं भी। 40 मिनट का भी एक घंटा कर दिया तुमने। जाम पूछ कितना था? जाम पूछ जाम तो था पर मैंने कही था एक घंटा लगेगा। जाम पूछ कितना जाम था? मैप में तो 40 ही दिखा रहा था। तो गाइस अभी बज चुके हैं 7:30, तो ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, अभी 7:30 ही तो बजे हैं। मेरे को ज्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटा। मैंने तेरे को पहले ही बोली थी मैं सो रहा हूँ, मैं रात से सोया ही नहीं था। तूने 4 बजे बोला था मैं आधे घंटे में निकल रहा हूँ। ऐसे ही होता भाई मेरे साथ थोड़ा नींद के मामले में। ये टीवीएस का शोरूम। कौन सी स्कूटी पसंद है तुझे? एंटोर्क। अच्छा ये वाली ये है एंटोर्क, कौन सा? अबे जुपिटर है ये तो, सब जुपिटर ही सही लगती है वैसे। अरे ये ले ले तू सबसे बढ़िया। हैवी ड्यूटी सब सबसे सही है ये। कितने की है भैया? हैं 62,000 की। ये तो बहुत महंगी है। यही ले ले हैवी ड्राइवर। वीगो वगैरह आती थी भैया बंद होगी? वीगो टीवीएस की वीगो ग्रे, मैं बताऊं ये मतलब कौन सी यार? मेरे को ना येलो सही लग रहा है कलर, मेरे को भी येलो सही लग रहा है। ग्रे का वो दिखाना भैया, टेम्पलेट होगा कुछ, ये सही लग रही है। किसकी जगह ग्रे होगा? येलो की जगह, मतलब पूरा ग्रे होगा पूरा। नेट पे दिखा ये फोटो, कंट्रास्ट हो जाता है बहुत। दिखा ना नेट पे दिखा, देख सबसे बढ़िया ये कॉम्बिनेशन लग रहा है येलो का। ये कलर कॉमन है, ये ब्लू भी मेस्ट्रो में कितना चला था होंडा की मेस्ट्रो में, ये रेड वाला भी, ये थोड़ा सही लग रहा है नया नया। ये वाला ये भी कॉमन है, नहीं येलो ठीक है, एक कंट्रास्ट है कलर का सही लग रहा है। हाँ। मतलब होता नहीं है पीला कलर दूर से ही फोकस वा मारता है।
नियॉन येलो लगवा लिया उसके। नहीं ये ठीक है, सही लग रही है ये। टॉप मॉडल और इसमें क्या फर्क है? टॉप मॉडल और इसमें अलाउ व्हील का फर्क है, छोटे छोटे फर्क है, मूड चेंज हो जाता है वो। अच्छा तो टॉप मॉडल कितने का पड़ेगा? टॉप मॉडल पड़ेगा आपका 1,11,100। ये हाँ 1,11,200। अच्छा 1,11,120। ठीक है तो टॉप मॉडल लेना तुझे अलॉय व्हील्स। टॉप मॉडल हाँ तो ले ले कोई नहीं। तो इसमें और ये दोनों मॉडल सेम है, बस कलर अलग है। ये बेस है, ऊपर आ गया। ये बेस है नहीं, ये सुपर स्प्रेड ये है, बेस मॉडल है। इसमें आपको डिफरेंट ड्रम डेक दो, ये दोनों बेस से ऊपर वाले। हां इससे ऊपर वो है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये वो है। तो नहीं मेरे को ना इसका प्राइस क्या है? इसका भैया इसका प्राइस क्या है? मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मतलब क्या बड़े क्या डिफरेंस है इसमें और टॉप मॉडल में, रेस एडिशन में और टॉप मॉडल में एग्जैक्ट अंतर क्या क्या है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, स्टीकर का फर्क है। हाँ बाकी अलाउ व्हील का फर्क है, उसमें रेड कलर के अलाउ व्हील है, इसमें ब्लैक व्हील है। अच्छा कोई नहीं, चीनू अब पुरानी जुपिटर चलाएगी। तो जब मैंने जुपिटर ली थी, मैंने ली थी 56 की, मेरी 60 की। क्या कह रही थी इसका 79,000, बहुत रेट ज्यादा हो गए बेटा, 97,000 के। मुझे लगा था एक टाइम फिर कम होंगे, स्कूटी के रेट बढ़ गए। ये देख रही है पीछे, इसकी भी तो रुपए निकालने होते हैं पीछे तो देख उसके। अच्छा इन्होंने ऐड किया है इसका, वो तो साफ हो जाएगी। सो गाइस फाइनली इन सभी कलर्स में से हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया है, ये येलो वाला। तो मेरे को भी यही पसंद आई थी, सिब्बू को भी यही पसंद आई थी, और हमने इसको भी यही पसंद करवा दी। तो अभी हम इस वाली ये हम फाइनल करवा रहे हैं, इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगवा के, तो फिर रेडी होने के बाद दिखाते हैं। मैं कह रही हूँ कभी कभी साथी से मांग के मैं भी चलाऊंगी ना, इसलिए इसको ये कह रही हूँ ये लो। अच्छा वो तनी का गाँव बसानी भिखारी आगे कौन सी बाइक है ये? रेडर। वो लाल कपड़ा दे, लाल कपड़ा। so ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें और स्कूटी के रेट में। बाइक ले ले तेरे। बाइक ले ले। तो भाई हमारी स्कूटी साफ सुथरी हो गई, तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। हमारी स्कूटी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो चलो अभी आपको थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या फीचर है, कैसी दिखती है। तो गाइज ये है स्कूटी एंटोर्क 125 रेस एडिशन। पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लुक है इसकी, हैं? पीछे से बहुत ही बेहतरीन लुक है इसकी, ट्रांसफॉर्मर जैसी लाइट लग रही है पीछे। आगे एलईडी लाइट है, सो भी ऐसी लगती है। ये हाँ ये सही है डिजाइन। इसमें फीचर्स भी कई सारे हैं ना, स्ट्रीट मोड वगैरह, वो क्या क्या था, यहाँ से मोड चेंज होएगा इसका। स्पोर्ट्स मोड है, स्ट्रीट मोड है,
सही है ना। इसमें क्या अच्छा है, स्मार्ट कनेक्ट, स्मार्ट कनेक्टिविटी, अच्छा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो गाइस इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे मैप भी आ जाता है। सही है ये, तो फिर तू कहीं गुम नहीं होएगी, मैप लगा के चलियो। सो गाइस ये दिखा दिया हमने आपको, स्कूटी हमारी रेडी हो गई है, क्या क्या इसमें फीचर्स थे। तो बस अभी सीट कवर लगवाना है और मैट डलवाना है, उसके बाद ये स्कूटी इसकी, और फिर ये अपने घर पे जाएगी ना तू, रात में कहाँ जाएगी। हाँ ये अपने घर पे और मैं अपने घर पे मतलब मैं, मेरा सुबह शूट है ना, तो इसीलिए मैं अपने ऑफिस पे और ये घर पे। कुछ मिठाई ले जियो और मेरे को भी खिला दियो। हाँ ओके मत कर, खिला दियो, मुंह मीठा तो करा ही सकती है। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बस ठोकियो मत इसको, एंड लेट्स इट। ये स्कूटी अब से इसकी कब पर मेरा मन मत चलाने का तो दे दिए है ना भाई, दे भी तो चाहिए यार, मैं देखा मेरा मन करे तो। ये पकड़, आरसी वगैरह है नहीं तो कोई पुलिस वाला रोके तो ये, और हेलमेट लगा लियो। ओके सेफ ड्राइव। कुछ खिलाया तो है नहीं तूने, चल। सो गाइस अपनी स्कूटी तैयार, चल आजा। स्कूटी वगैरह हो गई है रेडी, स्वाति को दे दी है, अभी वो पीछे ही है। तो अभी हम कुछ मिठाई वगैरह लेंगे पहले दुकान से, उसके बाद वो जाएगी अपने घर, मतलब मेरा भी घर है वो, वो जाएगी घर पे और मैं जाऊंगा गुड़गांव, क्योंकि यार सुबह मेरा शूट है। और यहाँ मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे, इसलिए मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी उसके पीछे ले जाके उसको कुछ मिठाई वगैरह दिला देते हैं, देन मिलते हैं आपसे। अभी मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे, क्योंकि आपको तो पता ही है नई स्कूटी या कोई भी व्हीकल हो तो पेट्रोल तो शोरूम वाले कितना तेल देते हैं, तो इसमें सिर्फ 1 लीटर तेल है अभी, तो अभी इसकी टंकी फुल करा देंगे। हाँ भैया फुल कर दो, फुल करानी है ना। कितने कितने लीटर की है, कितनी कैपेसिटी इसकी, अब तो पता लगेगा। 5.8 लीटर मतलब 6 लीटर तेल, मतलब 5.5 लीटर आ जाएगा। हाँ वही पेट्रोल हो गया 101 रुपये। 5.8 लीटर मतलब 6 लीटर तेल, मतलब 5.5 लीटर आ जाएगा। हाँ वही पेट्रोल हो गया 101 रुपये। हमने 4.9 लीटर से इसमें तेल आया, 496 रुपये का, 496.84 भी, 84 भी देने हैं, 84 पैसे भी लोगे अंकल, कार्ड है कार्ड, ला पैसे निकाल, चल ले रही है, कोई नहीं मैं कार्ड से कर दूंगा, कैश है तेरे पे, कोई नहीं कार्ड यूज़ करना चाहिए हमेशा, ये लो अंकल। सो गाइस हमने पेट्रोल डलवा लिया है, अभी कोई मिठाई की दुकान देख लेते हैं, मिलेगी तो ठीक है, वरना तू घर चली जियो, वहीं से ले लियो, मैं अपना मुंह मीठा अपने आप मिठाई लेके कर लूँगा, ठीक है। हाँ तो एक बार चेक कर लेते हैं ना आसपास कोई मिल जाए तो, क्योंकि अभी टाइम देख कितना हो गया, 9 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट सब बंद हो गया होगा, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, चल आ जा पीछे पीछे। सो गाइस फाइनली हमें एक दुकान मिल गई है, ओम बीकानेर, यहाँ से अब हम मिठाई लेंगे। मिठाई लेनी है तेरे को, रसगुल्ले, स्पंज वाले रसगुल्ले, ठीक है। मैं रसमलाई ले लूँगा, यहीं पे खा लूँगा, और सिब्बू के लिए बेसन की, बेसन के लड्डू। चलो भैया। सो गाइस हमने बहुत सारी मिठाइयाँ ले ली हैं, ये देखो, और ये इसमें से अपनी मिठाई लेके घर चली जाएगी, और जो मेरे को खानी है और सिब्बू को खानी है वो हम लेके अपनी गाड़ी में चले जाएंगे अलग से। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, बाय कर दे, बाय गाइस। थोड़ी मिठाई आप लोग लेके खा लेना हमारी तरफ से, सॉरी क्योंकि सबको खिला नहीं सकते। बाय बाय, हम जा रहे हैं। ओके घर पे दिखा दियो, समझा दियो स्कूटी वगैरह कैसी है, फिर मैं आऊंगा तो बाकी देखते हैं।
हैं? कौन कौन सी मिठाई लाए? एक ये है भाई, इसको हमेशा खाना दिखता है बस, जब बताओ तो सही। बनाना चिप्स भी ले लिए और फाड़ती रहे पूरा दिन बस। कौन पहले देखने तो भैया कौन से चिप्स ऐसे दे दिया आपने? ये देख लो भाई, ये तो देखना टूट गए सारे। ये तो पैकेट ही ऐसा आता है सारे। वो वाले नहीं है, खुले वाले। अरे यही है, जो भी ले ले, थोड़े बहुत चिप्स तो टूटते ही हैं सारे। खुले वाले नहीं है मतलब? अरे यही है अभी। सो गाइस, ये मिठाई देख के हमसे रहा नहीं गया तो हम गाड़ी में ही खा रहे हैं। और ये भी स्वाद आ गए हैं यार। मेरे को रसमलाई बहुत पसंद है, बाकी मैं मीठा खाता नहीं हूँ ज़्यादा। अपने ऑफिस पे पहुँच चुका हूँ, तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी एक चीज़ है यार, अपने आपके छोटे भाई हो या बहन हो, उनको यार गिफ्ट्स वगैरह या जो भी उन्हें चीज़ चाहिए ना, वो देनी चाहिए। वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप उन लोगों को कुछ भी दो। जैसे मैंने स्कूटी दी, मैं दे सकता था, तो आप लोग जो भी दे सको वो दो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब वो ब्लेसिंग्स काम आती है हर एक के लिए। तो मैं यही बोलूँगा यार, आप लोग भी इस व्लॉग से कुछ सीखना और अपने छोटे भाई हो गए, बहन हो गए या मम्मी पापा हो गए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सब कुछ करो यार, जो आपसे हो सके सब कुछ करो। ठीक है, बाकी यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।